नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट में शनि जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, शनि जो अस्त हो रहे हैं तो अस्त ग्रह कब हो जाता है, इसके बारे में पहले मैं आपको समझाने का कुछ प्रयास करता हूं। तो देखिए, जब कोई ग्रह सूर्य से इतना निकट चला जाए कि वो सूर्य के तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो ऐसे ग्रह को अस्त कहा जाता है। देखिए, ये जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और शनिदेव देखिए यहाँ पे आपके लग्न पे विराजमान है, और लग्न पे विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कर रहे हैं, और शनि आपके लग्न और आपके 12वें भाव के स्वामी है। देखिए, शनिदेव जब अस्त हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं 17 फरवरी के शाम 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46 तक, यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव जब अस्त होंगे तो उनका क्या प्रभाव आपके कुंडली पे पड़ेगा, ये हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, शनिदेव क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं तो आपका खर्च खुद पर बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। आपका हॉस्पिटल, बीमारी, दवाइयों पर आपका खर्च बढ़ सकता है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं तो उस पर भी आपका खर्च बढ़ा हुआ था। तो देखिए, जब शनिदेव अस्त होंगे ना तो ये सब खर्चा पे आपका कंट्रोल होने वाला है, यानी कि आपका जो खुद पर खर्च हो रहा था, या आपकी बीमारी, या हॉस्पिटल पे आपका जो खर्च बढ़ रहा था, या आपके काम पे जो आपका खर्च बढ़ रहा था, अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, आपका खर्च कम होगा। और देखिए, यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे, तो यहाँ पे आपके तीसरे भाव में आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं शनिदेव कम कर रहे थे, और गुरु भी शनि से प्रभावित हो रहे थे, जिससे कि गुरु अपना फल नहीं दे पा रहे थे जितना उनको फल देना चाहिए। तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, डेली का प्रवास आपका बढ़ेगा ये 34 दिनों में। छोटे भाई बहन से जो आपके मन मुटाव हो रहा था, मन मुटाव तो कम होगा लेकिन मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और 5 फरवरी से आपका आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में एग्रेसिवनेस चूंकि बढ़ेगा तो उसमें आपका विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आपको फिलहाल विवाद से बचना है। पड़ोसी से अगर आपका कोई मन मुटाव हो रहा था तो देखिए, मन मुटाव तो घट जाएगा लेकिन यहाँ पे आपके मतभेद फिर वापस मैं बोलूंगा बढ़ेगा, और आपका विवाद होने की संभावनाएं 5 फरवरी से बन रही हैं, तो विवाद से बचिए। देखिए, ये जो समय होता है ना, जब शनि जब आपके अस्त हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ेगा, तो आप इस चीज को सही जगह यूटिलाइज कीजिए। आप अपने पराक्रम को अपने काम पे लगाइए, डेली के प्रवास पे बढ़ाइए, अपना कोई प्रोजेक्ट लाने पर लगाइएगा, तो आपको ये 34 दिन में अच्छा लाभ होने वाला है। और देखिए, यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में। देखिए, 7वें भाव में जब दृष्टि शनिदेव डाले तो 17 जनवरी से पत्नी से कहीं ना कहीं मन मुटाव होने की संभावनाएं बन गई, भागीदार से मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो उसमें आपको देखिए सुधार देखने के लिए मिलेगा। देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ गई, अब गुरु अपना पूरा फल देंगे, यानी कि जो आपका फल कम दे रहे थे और शनि के प्रति ज्यादा प्रभावित जो आपका हो रहा था, आपके भागीदार हो गए या फिर आपका स्पाउस हो गया जिसके कारण आपका मन मुटाव बढ़ रहा था, वो मन मुटाव अभी फिलहाल कम होगा। देखिए, यहाँ पे क्रोध थोड़ा उनका बढ़ने वाला है 5 फरवरी से, लेकिन अगर आप इस समय समझदारी से अगर अपने चीजों को आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा समय है। क्योंकि देखिए, आपके जो 7वें भाव के स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, यानी कि आपका स्पाउस आपके प्रति फोकस्ड रहेगा और आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिलने वाला है। और देखिए, यहाँ पर आपका 13 फरवरी से आपका आपके भागीदार हो गए, आपके स्पाउस हो गए, उन पर आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे बस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, उनको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा तो गुस्सा पे आपको कंट्रोल करना है। बाकी ये समय जो आपका 34 दिन आने वाला है, ये करेक्शन का समय है, ये करेक्शन आप कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में, दशम भाव में चूंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी तो आपके काम में 17 जनवरी 2023 से आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। काम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका काम नहीं चल रहा था,
पिता और बॉस से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, वो सब चीजों में आपके सुधार देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक, यानी कि 34 दिन तक। तो यहाँ पे ये करेक्शन का समय है, आप अपने काम पे थोड़ा मेहनत बढ़ाइएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 5 फरवरी से। हालांकि देखिए आपका कुछ काम पे खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन अगर आप फॉरेन संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि फॉरेन संबंधित में जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा रहे, या कोई भी फॉरेन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं जिसको विदेश संबंधित काम बोल रहे हैं, तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर 5 फरवरी से, क्योंकि शनिदेव भी अस्त हो जा रहे हैं तो आपको पूरा फल मंगल प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।